कि आज उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के निर्णय के खिलाफ दायर हमारी याचिका को स्वीकृत कर लिया है, उस पर नोटिस जारी किया है और सरकार व यूजीसी को निर्देश दिया है कि वो शीघ्र उस पर अपना जवाब दायर करें। पहले इस मामले की अगली सुनवाई या अंतिम सुनवाई 10 अगस्त को रखी जा रही थी, लेकिन मैंने जब ये अनुरोध किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए इस मामले पे जल्दी से जल्दी एक फाइनल वर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस रिक्वेस्ट को माना और इस मामले की अंतिम सुनवाई एक कंक्लूसिव सुनवाई जो है वो इसी फ्राइडे को 31 जुलाई को तय की गई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी याचिका के गंभीर बिंदुओं को समझा, जबकि पिछले वीक में ही एक NSUI के द्वारा दायर याचिका ऐसी याचिका रिजेक्ट हुई थी, डिसमिस हुई थी, इसके बावजूद हमारी याचिका के बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, आज नोटिस जारी किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी छात्रों को, सभी मित्रों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने मेरा एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ाए रखा और निश्चित तौर पे आज आप सब छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। 31 जुलाई को इन 31 छात्रों को और इनके साथ जो लाखों छात्र खड़े हैं उन सभी छात्रों को निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। उच्चतम न्यायालय ने UGC के निर्णय के खिलाफ दायर हमारी याचिका को स्वीकृत कर लिया है, उस पर नोटिस जारी किया है और सरकार व UGC को निर्देश दिया है कि वो शीघ्र उस पर अपना जवाब दायर करें। पहले इस मामले की अगली सुनवाई या अंतिम सुनवाई 10 अगस्त को रखी जा रही थी, लेकिन मैंने जब ये अनुरोध किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए इस मामले पे जल्दी से जल्दी एक फाइनल वर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस रिक्वेस्ट को माना और इस मामले की अंतिम सुनवाई एक कंक्लूसिव सुनवाई जो है वो इसी फ्राइडे को 31 जुलाई को तय की गई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी याचिका के गंभीर बिंदुओं को समझा, जबकि पिछले वीक में ही एक NSUI के द्वारा दायर याचिका ऐसी याचिका रिजेक्ट हुई थी, डिसमिस हुई थी, इसके बावजूद हमारी याचिका के बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, आज नोटिस जारी किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी छात्रों को, सभी मित्रों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने मेरा एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ाए रखा और निश्चित तौर पे आज आप सब छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। 31 जुलाई को इन 31 छात्रों को और इनके साथ जो लाखों छात्र खड़े हैं उन सभी छात्रों को निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। धन्यवाद।